सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम। हम आपका स्वागत करते हैं फर्टिलाइजर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, जो आने वाले समय में हम आपको अच्छी वीडियो और बना कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं पीली सरसों के बारे में। इसकी 6 वेराइटियों के बारे में बताएंगे जो सबसे बेस्ट, सबसे शानदार रिजल्ट आपको देंगी। सुपर बेस्ट 6 वेराइटी। तो आज सरसों का भाव अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, कौन कौन सी मंडी में कितना भाव है। आज का सरसों का भाव लगभग 7000 से 7500 तक चल रहा है। सरसों की खेती हमारे भारत में 50% राजस्थान में होती है, बाकी 11% हरियाणा में, 11% उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में तो यह है कि दो फसलें एक साथ ले लेते हैं, गन्ने के बीच सरसों ले लेते हैं। और भारत सरकार ने इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4650 से लेकर 5050 तक कर दिया है। हरियाणा सरकार भी इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद रही है। हम सरसों की खेती करके एक अच्छा कमाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कमाई के लिए हमें कौन सी सरसों की वैरायटी लगानी है उसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। आजकल हाइब्रिड का ज़माना है, हमें पहले पता हो कामयाबी अच्छे से अच्छी मिलेगी। इस फसल में खर्च कम और कमाई ज़्यादा है। इस साल मौका है अच्छी पैदावार का, अच्छी कमाई का। अगर कोई हम अच्छी वैरायटी चूज़ कर लेते तो हमें अच्छी कमाई होगी। सरसों की 6 वैरायटी के बारे में बात करते हैं। कुछ कम समय लेंगी, कुछ ज़्यादा समय लेती हैं। जो कम समय लेती हैं उनको थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं। इसकी कितनी पैदावार है, बिजाई समय कौन सा है, कौन सी खाद कब डालें और कितनी मात्रा में डालें, खरपतवार नियंत्रण, खेत की तैयारी, हर एक बारे में बात करेंगे। दो वैरायटी प्रयोग की हैं, दो वैरायटी जो पाइनियर कंपनी की हैं, इनमें से एक ज़्यादा समय लेती है और एक एक कम समय लेती है। एक वैरायटी श्रीराम कंपनी की है, एक एडवटा कंपनी की है। टोटल 6 वैरायटी की बात करेंगे। तो पहली वैरायटी है वो प्रो एग्रो कंपनी की है, अमन 10, जो 130 दिन से लेकर 135 दिन में पकती है। एवरेज पैदावार 13 से 15 कुंटल प्रति एकड़, बहुत अच्छी पैदावार है। हाइट इसकी 200 सेंटीमीटर, 6 फीट से लेकर 4.5 फीट तक हाइट है। दाना मोटा चमकदार और साइज एक समान है। वाइट सरर और रस चूसने वाले कीड़े के प्रति रेसिडेंट है। बहुत अच्छी पसंदीदा किसान इसे जो बहुत अच्छा पसंद करते हैं। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड के लिए अच्छी है। दूसरी पाइनियर कंपनी की वैरायटी है, यह 45S46 किसानों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा वैरायटी है। तेल की मात्रा 41 से लेकर 45% तक 125 से 130 दिन में पकती है। इसकी शाखाओं में फलियों की संख्या ज़्यादा है और एक फली में 15 से 16 दाने होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ है। बहुत अच्छी पैदावार है। हाइट इसकी भी 200 सेंटीमीटर, 6 फीट है। इसके दाने काले, ब्राउन, चमकदार, साइज एक समान। वैरायटी है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी के लिए ठीक है। अभी तक दोनों वैरायटी एक समान चल रही हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं कम समय वाली वैरायटी की। बिजाई के लिए इसे पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। पाइनियर कंपनी की है, 45S35, यह 105 दिन में पकती है। एवरेज पैदावार 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़। इसकी हाइट भी कम है, यूं कह सकते हैं कि यह हाइट में मध्यवर्ती हाइट की वैरायटी है। तेल 40% के करीब निकलता है। अब इस वैरायटी को राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, गुजरात के लिए ठीक है। जो ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी होती हैं, मान लो बारिश ज़्यादा हो जाए तो वह गिर जाती हैं और फोटाप दोबारा से शुरू हो जाता है, इसलिए कम हाइट वाली वैरायटी ज़्यादा सुटेबल है। अब हम आपको बता दें एक और कम हाइट की और कम समय की वैरायटी है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत आसानी कम समय वाली वैरायटी जो पीरो एग्रो कंपनी, जो केसरी गोल्ड के नाम से मशहूर है, उसके बारे में बात करता हूँ। यह 105 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। एवरेज पैदावार 12 से 10 कुंटल प्रति एकड़ है। हाइट कम है, 140 से 160 सेंटीमीटर, 5 फीट के करीब है। इसे
वैरायटी की यह यूपी, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तरा झारखंड के लिए सूटेबल है। एक वैरायटी, पांचवी वैरायटी हमारी श्री राम 1666, यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। एवरेज पैदावार 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ है। एवरेज पैदावार बहुत अच्छी है। इसकी हाइट 5 फीट है, मीडियम हाइट है। यह पॉइंट नोट करने लायक है, एवरेज नहीं है पर हाइट मीडियम है। दाने मोटे हैं। यह वैरायटी लगभग सारे एरिया में सूटेबल है, इसे कहीं भी लगा सकते हैं। अब लास्ट वैरायटी वो है एडवंटा 414। यह भी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। एवरेज पैदावार 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़। हाइट 5 फुट, मीडियम हाइट है। यह गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए सूटेबल है। बात कर लेते हैं मिट्टी। मिट्टी अच्छी अंकुरण के लिए जमीन को अच्छे से तैयार कर भुरभुरी जमीन होना जरूरी है। बीज बहुत छोटा होता है, उसके अंकुरण के लिए दिक्कत ना आए। बिजाई के लिए बिजाई सही समय जो है बिजाई का 15 अक्टूबर से लेकर पूरा अगस्त बिजाई कर सकते हैं। हालांकि मोटी मिट्टी थोड़ी सी भारी अच्छी होती है, पर दोमट अच्छे लिए जो सबसे बेस्ट होती है वो दोमट मिट्टी है, क्योंकि पानी हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। पानी, तीन पानी लगाने हैं बिजाई से पहले। बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। 1 किलो बीज 3 ग्राम थीरम ले लें, या फिर 2 ग्राम कार्बन डाइजाइम ले लें। यह फिर सेबाल कंपनी का और आता जिसमें दोनों फंगिसाइड और कीटनाशक हैं, इसे ले सकते हैं, जो मैं आपको लिख दूंगा। तो यह सबसे बेस्ट बीज उपचार के लिए, बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसको थोड़ा सा पानी में मिलाकर बीज उपचार कर लें। इसके बाद जो हमें करना है वो उसमें कीटनाशक, किसी इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, क्योंकि आजकल रस चूसक कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से थाइमोक्सम या इमीडा क्लोपराइड 3 ग्राम प्रति एकड़ प्रति केजी बीज पर इसकी परत चढ़ा दें। अब 1 एकड़ के लिए 1 किलो बीज काफ़ी रहता है। बीज बहुत छोटा होता है, तो एक साथ फैलाने के लिए, मतलब इसके बोने के लिए डीएपी में मिला सकते हैं। अब पानी की बात करें तो पानी, पहला पानी 3 हफ्ते बाद देना है, लेकिन पानी देने से पहले कहीं पर पौधे ज़्यादा हो गए हों तो उन्हें कुछ पौधों को वहाँ से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो फुटाव नहीं करेंगे और घने होने की वजह से पैदावार ज़्यादा लेते हैं, पैदावार ज़्यादा नहीं देंगे। तो थोड़े से न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लेने हैं। अब हाइब्रिड वैरायटी में डीएपी 30 से 35 किलो, पोटाश 10 किलो, सल्फर 4 से 5 किलो। सल्फर बहुत ज़रूरी है। सल्फर जो होता है वो सरसों में गंध होती है, तेल में जो स्मेल होती है, उसके लिए ज़्यादा पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूरिया 35 किलो व सागरी का 10 किलो पहले पानी में डाल दें। दूसरा पानी आप इसके 21 दिन बाद दोगे तो वह भी यूरिया 35 किलो डाल दें। और लास्ट पानी जब फूल आ जाता है तब आपको लेना है, फूलों के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसकी अच्छी हरियाली, अच्छी पैदावार के लिए एक बेस्ट फार्मूला मैंने जो खुद इस्तेमाल किया है, पैदावार देखने लायक होगा आपके लिए। 1 एकड़ के लिए 700 ग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट 19% वाला, तथा साथ में 1 किलो यूरिया को भी ले लें, तो खर्च जो होगा वो 150 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। इसकी इन चार चीज़ों का आपको जब आपस में पहला पानी देंगे, उसके 3 से 4 दिन बाद जब ज़मीन पैर सहारने लायक हो जाती है, तब आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना। पत्ते भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। यह एक इंजेक्शन का काम करेगा, हरियाली, पैदावार, फुटाव बढ़ाएगा। खरपतवार के लिए एक और है, जो खरपतवार के लिए पेंडी मैथिलीन, जो 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ बिजाई के 3 से 4 दिन बाद स्प्रे करना होता है। ज़मीन में नमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ज़मीन में नमी होगी उतना अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद।